हेलो एंड वेलकम टू एसके क्रिएशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर जो हमने फैब्रिक लिया है उसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और हमारी फैब्रिक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ पर 3 लेयर ऑफ कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें हमारे फैब्रिक को हाफ में फोल्ड करना है। कुछ इस तरीके से हमने तीनों फैब्रिक को एक साथ फोल्ड किया है। हाफ में फोल्ड कर लेने के बाद हमें इसे विड्थ वाइज एक बार और दोबारा हाफ में फोल्ड करना है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे फोल्ड कर लेने के बाद अब हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसे एक बार पिन से सिक्योर कर लो ताकि आपका फैब्रिक ऊपर या नीचे ना हो और आपको कटिंग करने में और मार्किंग करने में आसानी हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। इसके बाद ये जो हमारा नीचे वाला प्लेस है, यहाँ पर हमें नीचे की साइड से 3.5 सेंटीमीटर पे एक डॉट बनानी है। फिर हमारा जो ओपन साइड वाला प्लेस था, ये वाला फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ऊपर की साइड से 3 सेंटीमीटर लेना है। जो हमने 3 सेंटीमीटर लिया है उसे हमें 3.5 सेंटीमीटर वाले डॉट से मिला देना है स्केल की हेल्प से। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आपको इसे मिला देनी है। इसके बाद जो हमारा ऊपर की साइड में फोल्डेड प्लेस है, यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है। तो हमें कॉर्नर से 3 सेंटीमीटर पे एक डॉट बनानी है। ये जो हमने डॉट बनाया है इसे हमें 3 सेंटीमीटर वाला डॉट से मिलाना है, बट हमें यहाँ पर कर्व ड्रॉ करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कर्व ड्रॉ करनी है। कर्व ड्रॉ कर लेने के बाद हमारी सारी मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद हमें हमारे फैब्रिक को कट करना है। तो चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, साइड में जो बेल का आइकन हो उसे भी दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग, योर सपोर्ट्स आर रियली वेरी यूजफुल, सो प्लीज कीप सपोर्ट। हमारी फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे फैब्रिक का पैटर्न किस डिज़ाइन का है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा फैब्रिक का पैटर्न कुछ इस स्टाइल का है। तो अब हम चलिए सेटिंग करते हैं कि हमें सिलाई किस तरीके से लगानी है। तो सबसे पहले हम हमारे मेन फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। इसके बाद जो हमारा मिडिल लेयर है हम उसे फोल्ड करेंगे, और जो फ्रेंड्स हमारा लास्ट लेयर होता है, बैक लेयर, वो हमारा अकेले होता है। उसमें हमारे केवल वन पीस ऑफ फैब्रिक होती है, तो हम उसे साइड कर लेंगे। आई होप आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि फैब्रिक की सेटिंग किस तरीके से की जाती है। सेटिंग कर लेने के बाद ये जो हमारा ऊपर की साइड में टू साइड जो खुला हुआ है, ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर का साइड वाला जो प्लेस है जहाँ पर हमने कटिंग किया था, ये वाला प्लेस, हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो चलिए हम अपने दोनों फैब्रिक के ऊपर में सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इसके ऊपर निशान बना लें ताकि आपको सिलाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई मुश्किल ना हो। तो चलिए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पहला साइड का, इसके बाद ये हमारी दूसरी साइड थी। सेम इसी तरीके से जो हमारा दूसरा फैब्रिक है, हमें उसके ऊपर भी सिलाई लगानी है। हमने दोनों फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा ली है। इसके बाद सिलाई के नज़दीक में हमें दो चार कट्स लगाने हैं। कट लगा लेने के बाद जो हमने मेन फैब्रिक लिया था उसे हमें बीच से खोलकर सीधा करना है, इस तरीके से फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें जो भी कॉर्नर्स हैं आप उसे निकाल लो, और फिर जो हमारा बैक लेयर है हमें उसे इसके ऊपर रखनी है। हमें दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के बराबर में सेट करना है, फैब्रिक ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरीके से आप वीडियो में देख लो कि हमने इसे किस तरीके से
सेट किया है। और इसके बाद ये जो साइड वाला प्लेस है जहाँ पर हमने निशान बनाई है वहाँ पर आपको सिलाई करनी है, इस साइड और इस साइड हमें ऊपर और नीचे दोनों में सिलाई लगानी है। तो चलिए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। हमारी दोनों साइड की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। जिस तरीके से हमने कर्व के नियर में कट लगाया था सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर जो सिलाई की है उसके नज़दीक में भी हमें कट लगानी है। तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड में आप कट लगा लो। कट लगा लेने के बाद जो हमने ऊपर की साइड में खुला प्लेस छोड़ा है ये वाला, यहाँ से हमें फैब्रिक को सीधा करना है। हमें जो हमारा मेन लेयर है वो और जो हमारी बैक फैब्रिक है वो वाले प्लेस से हमें फैब्रिक को सीधा करना है। हमें वन साइड के होल से दूसरी साइड की सारी फैब्रिक को बाहर निकाल लेनी है इस तरीके से। ये बहुत ही आराम से सीधा हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स इसके कॉर्नर्स को सारे बाहर निकाल लें और एक बार इसके ऊपर आयरन कर लें ताकि हमारा फैब्रिक आराम से सेट हो जाए, इसमें सिलाई लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अगर इसके ऊपर आयरन कर लेते हो तो सिलाई में कोई भी मुश्किल नहीं होती है। तो ये देखिए हमारी फैब्रिक सीधी हो चुकी है। इसके बाद हमने इसके ऊपर आयरन भी कर लिया और ये जो हमारा साइड वाला प्लेस है यहाँ पर हमें फैब्रिक को अंदर की साइड में 1 सेंटीमीटर का फोल्ड करना है। हमें दोनों साइड में फैब्रिक को बराबर में फोल्ड करना है। जितना हमने फर्स्ट साइड में फोल्ड किया है सेम उतना ही हमें दूसरी साइड में भी फोल्ड करना है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आपकी दोनों फैब्रिक बराबर है या नहीं। इसके बाद इन दोनों साइड में हम इलास्टिक लगाएंगे। तो हमने जो यहाँ पर इलास्टिक यूज़ किया है वो हमारा 16 सेंटीमीटर का है और हमने यहाँ पर 2 पीस ऑफ इलास्टिक यूज़ किया है। इलास्टिक का पहला कॉर्नर पहली साइड और दूसरा जो इलास्टिक का कॉर्नर है वो हमें फैब्रिक की दूसरी साइड में डालनी है इस तरीके से। यही काम हमें दूसरी साइड भी करनी है। इलास्टिक को थोड़ा एक्स्ट्रा अंदर डालें ताकि सिलाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और इलास्टिक बाहर निकलने का कोई इश्यू ना हो। इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए इलास्टिक डाल लेने के बाद ये जो हमारा फैब्रिक है हमें इसके ऊपर और जो हमारा ये साइड वाला एरिया है इसके ऊपर, फिर दिस साइड और ये साइड, हमें अपने फैब्रिक के पूरे साइड में सिलाई लगानी है। ये हमारा लास्ट प्रोसेस है सिलाई का। हमें एक मास्क में इतनी ही सिलाई करनी होती है। इसके बाद हमारा मास्क बनकर तैयार हो जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई होगी। मैंने बहुत ही इजी तरीका बताया है किस तरीके से मास्क को आप आराम से बना सकते हो, वो भी घर बैठे कुछ स्टेप्स को फॉलो करके। सो फ्रेंड्स देख लें कि किस तरीके से सिलाई की जाती है। सो फाइनली हमारे सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। हमने हमारी सारे स्टेप्स पूरी कर ली है और हमारा मास्क बनकर रेडी हो चुका है। आप इस मास्क का लुक देख सकते हो फ्रेंड्स। ये एम साइज़ का मास्क है तो ये मिडिल साइज़ के लोगों को आराम से आ जाएगा। और ये 3 लेयर मास्क है क्योंकि अभी विंटर सीजन चल रहा है तो 3 लेयर मास्क आपके लिए यूज़फुल होगा। सो फ्रेंड्स और ये बहुत ही अच्छी डिज़ाइन का मास्क है, आपके पूरे फेस को आराम से कवर कर लेगा। आई होप आपको इस मास्क को बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और कोई क्वेरीज हो तो वो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप इस मास्क का ओवरऑल लुक देख लो और फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी काम अपना ख्याल रखें। Bye bye friends and thanks for watching. Keep support and also take care.